सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कई बार मूल में धन होता है, आ गया तब भी आदमी अभिमानी हो जाता है और त्याग दिया तो कई बार त्याग का भी अभिमान हो जाता है कि मैंने इतना त्यागा। मूल में धन ही होता है, हाँ, त्यागने का अभिमान हो या संचय का अभिमान हो, ये मूल में धन है। धन मद मात परम वाता, धन मद मात परम वाता। धन आता है तो मद लेकर आता है, हाँ, कोई न कोई बुराई साथ में आती ही है साहब, इसलिए बहुत सावधान, इसका गलत अर्थ न कर लेना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि धन इतना बुरा है, त्यागो तब भी अभिमान और संचय करो तब भी अभिमान, तो करे क्या? तो सुंदर कांड में इशारा किया है बाबा तुलसी ने, जब हनुमान जी लंका की ओर चले हैं, उड़ान भरे हनुमान जी, उस वक्त मैनाक पर्वत आया, सोने का पर्वत, जलनिधि रघुपति दूत विचारी, जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक हो ही श्रम रघुपति दूत विचारी, जलनिधि रघुपति दूत विचारी। मैनाक पर्वत, सोने का पहाड़, हनुमान जी के सामने उपस्थित हुआ कि मालिक थोड़ी देर हम पर विश्राम कर लीजिए ना, आप इतनी लंबी यात्रा में जा रहे हैं, थक जाएंगे साहब, थोड़ी देर हमारे ऊपर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी ने सोचा कि आज तक लक्ष्मी ने किसी को विश्राम दिया है, हा? धन ने किसको विश्राम दिया है? सोने की लंका में रहने वाला रावण कभी सो नहीं पाया। भगवान कृष्ण को देखो, वैसे तो ईश्वर हैं, हर वक्त साक्षी भाव में रहने वाले परम चैतन्य आनंद स्वरूप, लेकिन एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो द्वारिका में कितने दिन शांति से रहे, भागते रहे पूरी जिंदगी, कभी हस्तिनापुर, कभी कहीं, कभी कहीं। लक्ष्मी कहां विश्राम दे रही, अब ठुकराना भी ठीक नहीं है क्योंकि विष्णु पत्नी है, हाँ, और स्वीकार करना भी ठीक नहीं है क्योंकि धन मदमत कोई ना कोई बुराई लेकर आती है, तो क्या करना चाहिए साधक को? हनुमान जी ने वहां इशारा किया, हनुमान जी ने केवल स्पर्श किया, केवल छुआ और स्पर्श करके कहा, बड़े भाई मैंने स्वीकार कर लिया, बाकी राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। हनुमान ते ही परसा, हनुमान ते ही परसा, हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम।
हनुमान जी महाराज ने उसको स्वीकारा भी नहीं और ठुकराया भी नहीं। हाँ देखो, ये विवेकी महापुरुष हमको दर्शन कराते हैं संसार में, न पकड़ो न ठुकरा दो, तो न भोगो न ही भागो, केवल साधक को जाग जाना चाहिए होश पूर्वक। धन मदमत परम वाचाल। और कहते हैं कागभूषुंडी जी, हे पक्षीराज, मैं कितने अवगुण गिनाऊं अपने, मैं परम वाचाल बहुत बोलने वाला, बहुत बोलता था मैं। देखो भाई, हमारी वाणी हमारे कुल का, हमारे संस्कारों का परिचय देती है। हाँ, ये जो वाणी है ना हमारी, ये हमारा परिचय। कोई बगुला बैठा हो सजधज करके कितना खूबसूरत दिखाई देता है। हाँ, लेकिन जैसे ही बोलता है ना, उसकी सारी असलियत सामने आ जाती है। आदमी की वाणी उसके व्यक्तित्व का परिचय दे देती है। कई लोग परम वाचाल होते हैं, परम वाचाल बहुत बोलने वाले। और ध्यान देना, जितना अधिक बोला जाता है ना, उतने सत्य की संभावना कम हो जाती है। इसलिए संत महापुरुष लोग ज्यादातर मौन रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। अति का भला न बोलना, परम वाचा। और एक अवगुण बताया, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाल। मैं अपने कहां तो अवगुण गिनाऊं पक्षराज, उग्र बुद्धि, मैंने अति अघ किया है, अति पाप किया है अपने उग्र बुद्धि के कारण। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।